हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुका हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि करंट अफेयर का रोल। आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में क्या होता है करंट अफेयर का रोल, उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन जो आज के सामने आपको दे दिया गया है। कौन सा महीने का हम लोग करंट अफेयर करने जा रहे हैं बच्चों? अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके पहले हमने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख चुके हैं आपके फरवरी, जनवरी, दिसंबर और नवंबर। आज बारी है अक्टूबर 2020 की, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट खबरें रही जो हमारे एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए कि एक चीज देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नोबल पुरस्कार से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, हु हैज वॉन नोबल प्राइज इन लिटरेचर। 2020 का नोबल पुरस्कार किसको दिया गया, किसमें? लिटरेचर में, यानी साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया इस बार का 2020 का नोबल पुरस्कार? तो ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, लूजी ग्लुक को दिया गया है नोबल का, साहित्य का आपका नोबल प्राइज पुरस्कार। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। अगर आ जाता है एग्जाम में तुरंत बताइएगा आप क्या है। वो 77 ईयर ओल्ड के हैं लुईस ग्लुक, जो अमेरिकन पोएट हैं, इनको दिया गया इस बार इसका साहित्य का नोबल पुरस्कार। ये आपका साथ में एक्सप्लेनेशन, इसको भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, ताकि सारी चीजें उसका आपको एक फ्रेमवर्क पूरी तैयार हो जाए। इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया तो आप तुरंत बता दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इस बार का जो पीस प्राइज था आपका, शांति का जो पुरस्कार पूछा गया, वो किसको, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ये देखने की कोशिश कीजिए किसको मिला है। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसी तरीके से आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे। और इस बार का नोबल पीस प्राइज किसको दिया गया है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है इस बार का नोबल पीस प्राइज। तो दो इंपॉर्टेंट देख लिए, लिटरेचर का भी देख लिए और नोबल पीस प्राइज का भी देख लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिस कार्य के लिए इसको दिया गया है। इसमें सारी चीजें दिया गया है कि इसने क्या क्या काम किया, एफर्ट्स टू फाइट हंगर, फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इम्प्रूविंग पीस कंडीशन इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया। ठीक है ना, इन सब क्षेत्रों में इसने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल का विश्व शांति पुरस्कार के रूप में दिया गया है नोबल पुरस्कार। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में क्या किया, फाउंडेशन स्टोन फॉर 450 मीटर लॉन्ग नचीफू टनल। आपसे पूछा जाए नचीफू टनल किस स्टेट में है, जो अभी हाल के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन मतलब इनॉग्रेट किया, 450 मीटर लंबा। तो क्या होगा बच्चों, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, गुजरात? तो राइट आंसर आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश में आपका है ये नचीफू टनल। ध्यान में रखना, भूलना मत, दिस इज ऑल अबाउट द नचीफू टनल। इसको आप अपने पीडीएफ में देख लीजिएगा, सारी जानकारी इसके बारे में आपको पता चल जाएगी। और हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आ गया आपके स्क्रीन पे, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट या यूटी इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। पूरी तरीके से डिजिटाइज कर दिया गया है, कौन सा स्टेट है पहला स्टेट? केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। बहुत अच्छी बात है, नाम याद रखना, भूलिएगा मत, ये सारी जानकारी इसके बारे में आपके सामने दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी बीचेस In India have been awarded with blue flag. Blue flag award दिया गया है किसलिए? Certification by Denmark based foundation FEE, मतलब Foundation of Environmental Education के द्वारा कितने beaches को blue flag certification दिया गया है? तो ध्यान में रखना बच्चों, 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में 8 बीचेस को दगा चगा दी गई हमारे देश के। ठीक है ना, चलिए ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, Who among the following has been appointed as the new deputy governor? नए डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के बनाए गए हैं, अभी हाल ही में अपॉइंट हुआ है अक्टूबर महीने में, तो उनका क्या नाम है?
ठीक है ना, तो उनका नाम है यम राजेश्वर राव, नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए आरबीआई के, तो क्या नाम है इनका, यम राजेश्वर राव। ठीक, बात क्लियर हो गई, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट यम राजेश्वर राव, देख लीजिएगा अच्छे से तरीके से जान जाए। ही विल सक्सीड एन एस विश्वनाथन, द फॉर्मर फोर डिप्टी गवर्नर थे, उनको रिप्लेस किया गया है और इनको बना दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है आपसे पूछा जा सकता है, किस स्टेट में है, जेवर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आप क्या बताओगे, आपका अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और इसके बारे में सारी जानकारी आपके सामने है यहाँ पे। ये ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसको कहते हैं, 40 ईयर सारी चीजें यहाँ पे, डिजाइन बिल्डिंग ऑपरेटिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑल्सो नोन एज जेवर एयरपोर्ट, ध्यान में रखिएगा, जो आपके आउटस्कर्ट मतलब बाहरी दिल्ली के एनसीआर वाले रीजन में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो के बारे में आपने सुना होगा, आपने रोबोट मूवी देखी होगी रजनीकांत की, वहां पे किलिमंजारो के नाम से गाना भी था मूवी में, तो किलिमंजारो रजनीकांत ने गाना गाया था इतना अच्छा, तो हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका उस वो है, ठीक है ना। किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, तो बोला जा रहा है अफ्रीका तो महाद्वीप है, लेकिन किस देश में है ये आपका माउंट किलिमंजारो, स्टैटिक पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो राइट आंसर इज तंजानिया, ध्यान में रखना बच्चों, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द नेशनल अथॉरिटी ऑफ सिप रिसाइकलिंग विल बी सेट अप इन विच स्टेट, ठीक है ना। नेशनल अथॉरिटी ऑफ सिप रिसाइकलिंग इस्टेब्लिश किया जा रहा है, किस स्टेट में किया जा रहा है ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में इसको क्या किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है, ठीक है ना। बोलेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन, गांधीनगर के गुजरात के गांधी नगर नेशनल अथॉरिटी ऑफ सी रिसाइकलिंग को सेटअप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल रिसीव इट्स फर्स्ट सबमरीन नेमली INS सिंधु वीर फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। कौन रिसीव करने वाला है, रिसीव करेगा INS सिंधु वीर, किसको मिला हमारे देश से, तो वो कंट्री है आपका म्यांमार, ठीक है ना। बोलेंगे तो नहीं, म्यांमार रिसीव करेगा फर्स्ट सबमरीन INS सिंधु वीर फ्रॉम इंडिया, भूलेंगे तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं भूलना है सर। आगे बताइए क्या याद करना है। Who has been elected at the chairman of Indian Banks Association? IB के चेयरमैन 2021 के लिए किसको बनाया गया है, तो देयर आर 5 ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन, अमिताभ चौधरी, रंजीश कुमार के, राजेश्वर राव, राजकिरण राय जी या दिनेश कुमार खारा, तो किसका नाम आपके सामने आ चुका होगा दिमाग में, राजकिरण राय जी को बनाया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट खारा साहब, सॉरी फॉर दैट, देख लीजिएगा सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है ना। कुछ अपने भी होमवर्क की तरह भी कुछ काम कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिएगा और पूरी तरीके से उसके बारे में आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, तो आपके एक अच्छा माइंड मैप तैयार हो जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेटर उमर गुल, आपने उनकी बॉलिंग जरूर देखी होगी उमर गुल का, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, तो उमर गुल ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि भैया अब हम रिटायर हो रहे हैं, तो किस देश के प्लेयर है जो हाल ही में अनाउंसमेंट किया रिटायरमेंट के लिए, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा पाकिस्तान के उमर गुल, जब बॉलिंग करने आता था तो विकेट लेता था लेकिन खूब छक्के भी पड़ते थे हमारे देश के खिलाड़ियों के द्वारा। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, तो कौन चुने गए हैं, जेसिंडा आर्डन को न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द जेसिंडा आर्डन, लीडर ऑफ लेबर पार्टी, जो सेकंड टर्म के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई 34 सितंबर 2020, कितने बैंक एक्सक्लूड किए गए, 6 बैंक एक्सक्लूड किए गए जो आपके कॉमर्शियल बैंक हुआ करते थे सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सारी लिस्ट है कौन कौन से बैंक हैं, ये आपका होमवर्क है उसको देखना और जानना, ताकि एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आउट ऑफ विच बैंक इज नॉट एक्सक्लूडेड, तो सब सारी चीज देख लोगे तो आप उनको हर तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर लोगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज बीन चूजन एज द रेसिपिएंट ऑफ द 2020 का गांधी अवार्ड, किसको दिया गया,
ठीक है ना, किसके द्वारा, महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। तो इस बार का 2020 का गांधी अवार्ड किसको दिया गया, आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे और आप किसको सही लगाओगे, संजय गांधी, ठीक है ना, संजय गांधी को दिया गया आपका 2020 गांधी अवार्ड, संजय गांधी बोल रहा हूँ, संजय सिंह इज द राइट आंसर, संजय गांधी आप भी कहोगे सर क्या हो गया आपको, संजय सिंह आप देखते होंगे आम आदमी पार्टी के क्या है ये, बहुत बड़े नेता हैं और ये इस समय राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है, संजय सिंह को दिया गया। दिस इज ऑल अबाउट द अवार्ड, ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, सारी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी, किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। इसरो प्लान कर रहा है टू लॉन्च वीनस मिशन नेम्ड शुक्रयान फर्स्ट, ठीक है ना, वीनस को शुक्र भी कहा जाता है तो इसी के हिसाब से रखा गया नाम शुक्रयान फर्स्ट। किस साल तक शुक्रयान फर्स्ट को लॉन्च करने की तैयारी है, तो साल है 2025 तक शुक्रयान, जो कि पहला क्या होगा आपका, आप वीनस के लिए तरीके से मिशन होगा जो कि 2025 तक सोच रहा है इसरो लॉन्च करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द शुक्रयान। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, आपका दुनिया का सबसे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टनल के रूप में कनेक्ट जो करता है मनाली से लाहौल स्पीति वैली, जिसका नाम है अटल टनल, तो ये किस स्टेट में है, यही आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो आप बताओगे सर अरे हिमाचल प्रदेश है सर, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने नहीं पूछा है, तो ये अटल टनल आपका हिमाचल प्रदेश है, तो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ठीक है, जो मनाली से लेके लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। बात क्लियर हो गई, चलिए ठीक। और टोटल देखो यहाँ सारा यहाँ पे कुंडली दी हुई 9.02 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर टोटल आपका ये टनल है, ठीक है ना, खर्चा पानी कितना लग रहा है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक बच्चों। चलो, दल्ले खुरसानी, ठीक है ना, दल्ले खुरसानी फेमस चिली है जिसको अभी हाल ही में क्या मिला है, GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना, तो GI टैग मिला है, तो वो कहाँ का चिली फेमस चिली है, तो आपका राइट आंसर होगा सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम की फेमस चिली है जो कि अभी दल्ले खुरसानी उसका नाम है, उसको GI टैग मिला है। तो ध्यान, GI टैग होता है जो उस एरिया का एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज होता है, जानी मानी चीज होती है किसी एरिया के, तो उसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इंडिकेशन मिल जाता है, तो उसको मिल गया है, ध्यान में रखना कहाँ का है, तो सिक्किम का है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल हॉक्सटन अभी हाल ही में 2020 का नोबल प्राइज जीते, ठीक है ना, किसमें, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, तो किस चीज के, कौन सा वायरस उन्होंने खोजा जिसके लिए उनको नोबल पुरस्कार मिल गया, तो क्या है बच्चों वायरस, आपके सामने है ये तीसरे नंबर पे जो लिखा गया, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्होंने खोजा जिसकी वजह से इनको नोबल पुरस्कार मिल गया, वाह वाह वाह, चलो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो इन तीनों को। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें दी गई हुई हैं, आपको एक्सप्लेन की गई हैं, देख लीजिएगा। विच कंट्री प्लान टू सेंड वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट, एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट इन टू स्पेस बाई नवम्बर 2020, कौन सा देश है, तो वो देश है आपका चाइना है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, चाइना ने भेज दिया होगा, तो नवंबर 2020 पूरा हो गया है, तो कौन सा देश है आपका, चाइना है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, दिस इज एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तो ध्यान में रखना बच्चों, गुजरात में सेटअप किया जा रहा है इंडियाज फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक स्पीसीज सीड पार्क, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, गुजरात, सारी इंफॉर्मेशन है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी साहब ने सैंक्शन किया है पहला स्पाइसेस सीड पार्क, ठीक है ना, ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। रोजर पेनरोज, रीनहार्ड जेंजल एंड एंड्रिया गेल्स क्या पाए हैं, 2020 का नोबल पुरस्कार पाए हैं, लेकिन किस क्षेत्र में पाए हैं ये आपसे पूछ रहा है, ये तीनों जो पाए हैं, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन इज फिजिक्स में इनको मिला है, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, आपके सारे हो गए फिजिक्स हो गए, आपके उधर लिटरेचर हो गए, पीस हो गया, सब ध्यान में रखना, पूरी एक लिस्ट बना लेना, इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अनफिनिश्ड ए क्या है, अनफिनिश्ड एक बुक है, इज द मेमर ऑफ किसकी यादगार में किसका लिखा गया अनफिनिश्ड बुक है, तो आपके सामने ये चार
पांच एक्ट्रेस हैं, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, शराली खान। तो किसका है ये अनफिनिश, तो ध्यान में रखना प्रियंका चोपड़ा जी का है अनफिनिश। इज द मेंबर ऑफ होम, तो प्रियंका चोपड़ा पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ SBI, SBI का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दिनेश कुमार खारा जी को नियुक्त किया गया है RBI का चेयरमैन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, ठीक है ना, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड बिलो विच रिवर, किस नदी पे किया जाएगा बच्चों, तो ध्यान में रखना राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हुगली नदी, ठीक है ना। हुगली नदी पे भारत का पहला ट्रांसपोर्टेशन टनल जो कि अंडर वाटर होने वाला है, ठीक है ना, पानी के अंदर ये टनल बनाया जाएगा। अब तो इसका इनॉग्रेशन वगैरह हो गया, बड़ा अच्छा दिख रहा था, तो हुगली नदी के ऊपर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 3268 करोड़ रुपया लग रहा है, थोड़ा बहुत पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये देखो द टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट इज December 2021 तक, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फोटो वगैरह आ गया है तो दिख गया था मुझे भी। हाउ मेनी पीपल विल बी पुश्ड टुवर्ड एक्सट्रीमली पॉवर्टी ड्यू टू COVID-19, लगभग कितने लोग वर्ल्ड बैंक के अनुसार इसके उसमें आ जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे, तो उसके अनुसार 150 मिलियन, लगभग 15 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए, ठीक है ना। एग्जाम पूछ लेगा तो तुरंत बताइएगा आप, बिल्कुल डायरेक्टली। वर्ल्ड बैंक के अनुसार व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 21, यानी 2021 में इंडिया की एस्टिमेटेड GDP क्या रहेगी, तो उनके अनुसार -9.6%, ध्यान में रखना वर्ल्ड बैंक के अनुसार -9.6%। दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, विच रेलवे जोन, वो कौन सा रेलवे जोन है जो लॉन्च किया है ऑपरेशन माई सहेली टू एनहांस सिक्योरिटी ऑफ वीमन पैसेंजर्स, यानी जो महिलाओं की सिक्योरिटी के पर्पज से ऑपरेशन माई सहेली है, कोई दिक्कत परेशानी हो वहां पे आप जाके अपनी प्रॉब्लम इंटर कर दीजिए, तो उसी से रिलेटेड आपका क्या है, एक स्कीम लॉन्च की गई है, तो क्या है, किसने, किस जोन ने लॉन्च किया है, तो आपके इसे पता है ना कि जोन है सब रेलवे के 18 टोटल जोन है, तो देयर आर 5 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, तो वो कौन सा जोन है, साउथ ईस्टर्न जोन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है जिसने ऑपरेशन माई सहेली को लॉन्च किया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन माई सहेली। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे अगर पूछ ले वर्ल्ड वेजिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, सीधा आप 1 अक्टूबर को मनाएंगे वर्ल्ड वेजिटेरियन, विश्व शाकाहारी दिवस, ठीक है ना। चलिए ये बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे, आपका जो शाकाहारी वाले होंगे वो अपना दिन याद रख लेंगे। इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड 100-bedded कैंसर हॉस्पिटल एंड 22,000-seater क्रिकेट स्टेडियम इन विच ऑफ द कंट्री, किस देश में बनाने जा रही है 100-bedded कैंसर हॉस्पिटल का और 22,000-seat का क्रिकेट स्टेडियम, तो कौन सा देश है बच्चों, मालदीव, ठीक है ना, ध्यान में रखना मालदीव में बनाने जा रही है, भूलिएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाई DRDO के द्वारा, अभी जल्दी सक्सेसफुली क्या किया गया, उसको लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, तो कितना उसकी मारक क्षमता है, ठीक है ना, रेंज क्या है, तो उसकी रेंज है आपकी 400 किलोमीटर, ध्यान में रखना पूछ सकते हैं, 400 किलोमीटर है, ये सारी जानकारी आपके लिए है, आप भी इसको पढ़ के जानकारी पूरी हासिल कर सकते हैं। हु हैज रिसीव्ड SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसको दिया गया है, मानवीयता के नाम पे, मानवता के नाम पे स्पेशल अवार्ड दिया गया है UNDP के द्वारा, तो इसमें कोरोना पीरियड में सबसे स्पेशल मानवता का कोई सबसे ज्यादा काम किया होगा, भाई गरीबों के मसीहा सोनू सूद हैं, इनको दिया गया है, और यहाँ पे देखो उनको किस नाम से जाना जाता है, मसीहा माइग्रेंट्स, ठीक है ना, तो आपकी UNDP ने इनको अवार्ड से नवाजा, इनके सारे काम को ध्यान में रखते हुए। विच स्टेट हैज लॉन्च पथश्री अभियान स्कीम टू रिपेयर रोड्स इन स्टेट, तो कौन सा स्टेट है बच्चों, वेस्ट बंगाल है आपका, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है पथश्री अभियान स्कीम, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपसे पूछ रहा है कि ऑन विच डेट वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल इज सेलिब्रेटेड,
तो किस दिन फार्म्ड एनिमल से रिलेटेड किया जाता है? 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आपका वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल मनाया जाता है। भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो कि बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं, आने की पूरी संभावना है। अभी आप हाल ही में सुने होंगे मिस्ती मुखर्जी का निधन हो गया, पास्ड अवे रिसेंटली। तो वो किस एरिया, किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी? ये टीवी एंकर थी, सिंगर थी, एक्ट्रेस थी, लॉयर थी या क्रिकेटर थी? तो बच्चों ध्यान रखना, आपने मूवी वगैरह भी देखा होगा, वो एक एक्ट्रेस थी, ठीक है ना। अभी सुभाष घई की मूवी आई थी, उससे उन्होंने बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस हुआ हुई। अभी साउथ की एक्ट्रेस थी, बंगालियन एक्ट्रेस थी, तो कई जगह उन्होंने काम किया। अभी नई उम्र थी, ज़्यादा एजड भी नहीं थी, लेकिन फिलहाल इनका देहांत हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इनके बारे में सारी जानकारी भी दी गई है। मिस्ती मुखर्जी अभी आपकी मेजर डेब्यू बॉलीवुड फिल्म, ये देखिए लाइफ की तो लग गई, ये सब मूवी वगैरह आप अगर देखे होंगे तो उसमें इन्होंने काम किया था, ठीक है ना। पुष्पा भावे, ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ मुंबई, ठीक है ना, इनका हाल ही में इनका भी निधन हुआ। तो ये क्या थी? ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनको आयरन लेडी ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट या गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कैंपेनिंग अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? अक्सर आप ट्रैफिक लाइट पे रुकते होंगे या कहीं आते जाते होंगे इधर उधर, आपका अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो पक्का दिखता होगा। राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। हमेशा हर जगह बैनर दिखता होगा, केजरीवाल जी बने हैं, सारी चीजें हैं। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? दिल्ली में, ठीक है ना, फॉर द कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है ना, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम, किसके अंतर्गत? भारत नेट प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो सही जवाब है आपका गुजरात, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। ये सारी जानकारी आपके सामने, स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए जो नेट का 100 Mbps कर दिया जाएगा, तो सारी चीजें आपका अच्छा होगा। कभी बिना बफरिंग के YouTube देखिए, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। पीयूष गोयल हैज इनॉग्रेटेड द रिनेमिंग ऑफ विच रेलवे स्टेशन टू सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश, कौन सा आपका स्टेशन है? नौगढ़ रेलवे स्टेशन है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, भूलिएगा मत। दिस इज ऑल अबाउट नौगढ़ रेलवे स्टेशन, नामकरण बदला जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द जन आंदोलन कैंपेनिंग फॉर COVID-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो किसने लॉन्च किया? तो हमारे मोदी जी वर्चुअल लॉन्चिंग में इस समय माहिर हो चुके हैं, खूब सारी योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं। तो जन आंदोलन कैंपेनिंग किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। इंडियन एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, वो दिन है आपका 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर। भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। दिस इज ऑल अबाउट द 50th एनिवर्सरी, इस बार इन्होंने मनाया, 8 अक्टूबर को मनाया, ये सब ध्यान में रखिए, ठीक है ना, भूलेंगे तो नहीं ना। चलिए, वेरी गुड। विश्र अल खसवाने हैज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे पूछा जाता है ना किसी भी, दो तीन चीज अपॉइंटमेंट वगैरह आपसे पूछे जाएंगे खूब ढेर सारे, फिर किस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने ये पूछे जाएंगे, अपने यहाँ का कोई अगर कोई बड़ा अधिकारी है उसको इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसका अपॉइंटमेंट वगैरह होता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, किसी बड़े उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपका पूछा गया है, फलाना जो आपका नाम दिख रहा है ब्रिश अलकवांस ने, को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो जॉर्डन का प्रधानमंत्री बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा, ठीक है ना। ये देखिए, किंग अब्दुल्ला ने इनको बना दिया। रामविलास पासवान की भी हाल ही में देहांत हुआ, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो किस यूनियन मिनिस्टर, कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे, याद से पूछा जा सकता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, या कॉर्पोरेट अफेयर, या कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइट आंसर इज कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय
उनके पास था, ठीक है ना। एक तरीके से चुनाव के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, भाप जाते थे कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, तो शामिल हो जाते थे। नेम द स्टेट हु सीएम हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। किस स्टेट के सीएम ने भी हाल ही में लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने आपके लॉन्च किया है, ठीक है ना। भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हु हैज सिक्योर्ड हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल बाय विनिंग फ्रेंच ओपन वीमन सिंगल। किसने जीता? तो उनका नाम है आपका इगा स्वीटेक। इगा स्वीटेक ने फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता फ्रेंच ओपन वीमन सिंगल। बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट इगा, कैसे कैसे जीता, किसको किसको हराया, कितने नंबर से, कितने 6-4-6-1 से, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। उस यूटी का स्टेट का नाम बताइए जो फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड पाइप टैप वाटर, ठीक है ना, पानी से पानी वाटर जाता है टैप से, कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड अंडर हर घर जल स्कीम। हर घर जल स्कीम के अंतर्गत देश का पहला राज्य कौन बना जो कि टैप से जो पानी जाता है सबके घर तक पहुंचा दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा वो स्टेट है आपका गोवा, छोटा स्टेट है तो सफल हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बधाई गोवा को। दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज 2020 का इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किसको मिला है इस बार का नोबेल प्राइज फॉर द इम्प्रूवमेंट टू ऑक्सन थ्योरी, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा पॉल आर मिलग्रम और रॉबर्ट बी विल्सन, यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, इन दोनों को मिला है इस बार का संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। नाम मत भूलना, ध्यान में रखना, सारे नोबेल पुरस्कार विजेता की चर्चा हो चुकी है, एक नए क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ अक्टूबर मंथ, ठीक है ना। तो होप एक तरीके से आपका एग्जाम, इसके पहले आपका अक्टूबर में कब हुआ था, अक्टूबर के सितंबर में एग्जाम हुआ, तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी काफ़ी ज़्यादा है, 5 महीने का आपका करंट अफेयर हो गया है। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, जितना करंट अफेयर करा दिया हूँ मोर देन 90% आपके क्वेश्चन 80% आपके फंसेंगे, बाकी इधर उधर के दो चार का तो किसी को पता नहीं रहता कहाँ से आ जाता है। तो जितना करा दिया गया इसको अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ लो, बार बार रिवाइज कर लोगे तो दिमाग में रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी जो साथ में ऐड किया हूँ उसको पढ़ लो, उससे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ लिया, जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा आपसे या जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, तो एक्सप्लेनेशन में 3-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिल जाएंगे, तो भी जरूरी, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी आपका ऐड कर देता हूँ। तो ये सब काम की चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, एक्सप्लेन करते रहो, खुद को भी एनालिसिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे कोर्स के साथ, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।